मूर्ति पूजा क्या अंधविश्वास है या फिर हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए हमारे ऋषियों ने दी हुई उत्तम भेंट? क्या पत्थर में भगवान होते हैं? भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है, पर इसके उपरांत भी मूर्ति पूजा का कुछ और महत्व है। जब प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद राजस्थान के आलवार के राजा मंगल सिंह को मिले, तब राजा ने मूर्ति पूजा की परिकल्पना पर ही प्रश्न खड़े कर स्वामी जी से पूछा, आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी एक पत्थर को पूछते हो? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए, फिर वहां कमरे में टंगी एक तस्वीर दिखाकर स्वामी जी ने राजा से उस तस्वीर पर थूकने और उसके ऊपर जूते मारने के लिए कहा। यह सुनकर अत्यंत ही क्रोधित होकर राजा मंगल सिंह बोले, यह मेरे पिताजी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह आपके पिताजी नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और राजा निशब्द हुए। स्वामी जी बोले, आपके पिताजी के लिए आपके हृदय में भाव और सम्मान होने के कारण आप उनकी तस्वीर में भी उनको सम्मान और श्रद्धा से देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही हमारे लिए भगवान की मूर्ति। मनुष्य की श्रद्धा और प्रेम भाव ही पत्थर की मूर्ति को जीवंत बनाती है। और राजा नतमस्तक हुए। हम कई महापुरुषों की प्रतिमा स्मारक बनाते हैं, जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं भी है उनको भी हम उनकी तस्वीर स्मृति या प्रतिमा के रूप में हमारे आसपास रखकर हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसी तरह व्यक्ति अपने स्वभाव और आस्था के अनुसार प्रभु की मूर्ति बनाकर उसकी भावनाएं भगवान के समक्ष प्रदर्शित करता है और अपने और परब्रह्म के बीच एक दैवी संबंध स्थापित करता है। मूर्ति पूजा ईश्वर के लिए नहीं, परंतु व्यक्ति के खुद के लिए है, स्वयं के मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए है। पर उसकी जरूरत क्या है? चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, व्यक्ति के जीवन विकास में उसके मन की बहुत ही महत्व की भूमिका होती है। और इसीलिए मन को विकासशील और उसकी निरंतर शुद्धि के लिए उसको नियमित एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। हम जब आंखें बंद करते हैं तब विचारों के प्रवाह को रोककर मन को सहजता से स्थिर करने के लिए हम जैसे सामान्य लोगों को एक वस्तु या आकार की जरूरत होती है। तो फिर वह आकार सर्वगुण संपन्न ईश्वर ही क्यों नहीं, जिसके दर्शन और ध्यान से मनुष्य के जीवन विकास के महत्व के गुण जैसे शक्ति, साहस, शौर्य, धैर्य, विकासशीलता, संवेदनशीलता का निरंतर स्मरण होता रहे। इसीलिए मूर्ति पूजा मनुष्य के सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही नहीं परंतु सर्वांगी विकास के लिए भी जरूरी है। फिर भले ही व्यक्ति नास्तिक ही क्यों ना हो, व्यक्ति जिसके बारे में हमेशा सोचता है वैसे ही गुण विकसित कर पाता है और वैसा ही बनने का प्रयास भी करता है। इसीलिए अपने स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार हम भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं, ताकि चित्त एकाग्र कर उसकी नियमित पूजा करके ईश्वरीय गुणों और मूल्यों को जीवन में उतार उनके जैसे बनने का प्रयास कर अंत में ब्रह्म में विलीन हो जाए। मूर्ति पूजा यानी हमारे ऋषियों ने हम जैसे सामान्य लोगों को अपने अंदर के ब्रह्म को परब्रह्म से भेंट कराने के लिए दिया हुआ एक उत्तम पथ। ईश्वर को सगुण साकार यानी मूर्ति के रूप में पूजने से व्यक्ति परब्रह्म के साथ एक सहज भाव से आकर्षित होकर दैवीय आत्मीयता स्थापित कर पाता है। हमारे लिए मार्गदर्शक ईश्वरीय गुणों की निरंतर पूजा में मन को स्थिर करने से अंत में मूर्ति में छुपे हुए परब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का अनुभव होता। सगुण साकार से अपने तथा कण कण में छुपे हुए निर्गुण निराकार परब्रह्म का अनुभव करने के पथ पर मनुष्य को अंत तक मार्गदर्शन देती एक उत्तम प्रथा यानी मूर्ति पूजा। आज का आधुनिक विज्ञान परब्रह्म के अस्तित्व को भी जानने में असमर्थ है और हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने सामान्य जनमानस को एक ऐसी अमूल्य व्यवस्था दी है जो मनुष्य को परब्रह्म से जोड़ती है। तो फिर उसमें वैज्ञानिक तथ्यों का कितना महत्व रह जाता है।